हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन बताएं ताकि फ्रेंड्स हम आपके लिए उसी के हिसाब से जॉब ला सकें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसका मेन पर्पस है कि आपकी जॉब लगे, यानी कि आप अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं उसी के हिसाब से आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वैकेंसी लाने की कोशिश करूँगा ताकि आप सबकी जॉब लग जाए और जो आप टाइम दे रहे हैं मुझे वो आपका यूज़फुल हो। ठीक है, और बाकी अगेन आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बेसिकली जैसे कि ये वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए, यहाँ पे ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ रही है। GEA और TA यानी कि टेक्निकल अप्रेंटिस और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पे 250 वैकेंसी है और टेक्निकल लेवल पे 113 वैकेंसी है। कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल हैं तो लगभग सारी ही हैं, ECE, CSE, मैकेनिकल, EEE, सिविल और EIE वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल पे आपको सैलरी 9000 पर मंथ और टेक्निकल लेवल पे डिप्लोमा लेवल पे आपको सैलरी 8000 पर मंथ मिल जाएगी। मिनिमम एज लिमिट 25 ईयर्स रखी गई है एज ऑन 31/12/2023। जो आपके अप्रेंटिस का टेन्योर है वो मिनिमम 1 ईयर रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अपने ही डिसिप्लिन में बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका देखिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए CLDEECIL हैदराबाद में बुलाया जाएगा। सिलेक्शन यहाँ पे अगेन आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा, जितने अच्छे मार्क्स आए हैं उसका यहाँ पे उतने ही जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगेन आपको ये देखिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बस आपको एक साल की अप्रेंटिस दी जाएगी फिर आपको हटा दिया जाएगा। रहने खाने की सुविधा नहीं दी जाएगी, वो आपको अपना करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अप्रेंटिस का फ़ायदा क्या होता है, तो देखिए सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये होता है कि आपको एक तरह का एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां अप्रेंटिस को भी एक तरह का एक्सपीरियंस मान रही हैं, तो आप इसे अपना एक तरह का एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गया है 5th of December से, जो इसकी लास्ट डेट है 15th of December रखी गई है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21st December और 22nd December को हो जाएगा। इसी के अलावा आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ 31st December तक हो जानी चाहिए और जो आपकी अप्रेंटिस है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, तो न्यू ईयर से आप अपनी अप्रेंटिस पे जा सकते हैं अगर कुछ डिले नहीं हुआ तो। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको ECIL के वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ECIL की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बाकी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक हेयर फॉर द GEA and TE अप्रेंटिस, तो जैसे ही आप करते हो बेसिकली इसका जो अप्लाई करने का पेज है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इन सब के डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो लोग चाहते हैं एक बार विजिट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।